वो तो आदमी को देकर देते हैं, हम बड़े आदमी उसको देंगे, बड़े आदमी वोट दो। हाँ तो थाने अभी दो विधानसभा कमानी स्पेशली कौन बढ़िया लग रही है इस टाइम पर? इस टाइम पर तो गहलोत जी, गहलोत जी बढ़िया लग रहे। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, धोद विधानसभा। राम जी के कामों को संतुष्ट होगा? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। परशुराम जीतने के बाद में दोबारा परशुराम जी टिकट देसी तो के लाके दो निकाल देसी सीट पर 300 वोट आ रहा। आप बीजेपी के आदमी हो कटरे? गोवर्धन जी को देंगे, गोवर्धन जी को वोट देंगे। कांग्रेस बीजेपी और कॉमरेड आपने तीन चीजें साल ली, सो मजबूत कौन सी पार्टी मान रहे हो? मैं हूँ बीजेपी को आदमी, बीजेपी का आदमी हो तो मैं तो बीजेपी नहीं मान सू। किसको बताऊँ, मेरे हिसाब से तो कॉमरेड ही है, पेमाराम जी को आप मजबूत मार रहे हैं। जिताने का तो देखो वो तो टाइम आने के बाद पता लगेगा, लेकिन हो सकता है। आपका मत क्या है? नहीं, मत तो क्या बताऊं, क्योंकि मैं पहले से भी जो कॉम्रेड पार्टी है ना, ये माकपा पार्टी, इससे जुड़ा हुआ था पहले। अगर इन दोनों की सर की माने तो यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत बता रहे हैं। सर, कांग्रेस को मजबूत आप किस स्थिति में बताते हैं? जो परशुराम जी का काम है उनसे संतुष्ट? लोगों की जो राय है वो लगभग लगभग एक जैसी आ रही है फिलहाल। हम ऐसा राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री नहीं आया जो गहलोत जी जैसा काम किया है, बिल्कुल रिपीट होगी। को नमस्कार साथियों, चुनाव है, जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं लोगों में उत्साह इसको लेकर बढ़ता जा रहा है, और तो किसको टिकट मिलनी चाहिए इसको लेकर भी लोग बड़े उत्सुक रहते हैं कि हाँ इस आदमी ने काम किया इसने नहीं किया। अभी फिलहाल हम धोद के कांसली के अंदर है, और धोद जो है हॉट सीट मानी जाती है इस विधानसभा चुनाव के लिए। धोद के अंदर अपन जो कैंडिडेट देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप वोट कौन सी पार्टी को देते हैं? वो कांग्रेस को देते हो, बीजेपी को देते हो, या अदर किसी को? वो तो आदमी को देकर देते हैं, हम बड़े आदमी उसको देंगे, बड़े आदमी वोट दो। हाँ तो थाने अभी धोद विधानसभा कमानी स्पेशली कौन बढ़िया लग रही है इस टाइम पर? इस टाइम पर तो गहलोत जी, गहलोत जी बढ़िया लग रहे हैं। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, धोद विधानसभा की बात कर रहा हूँ। धोद विधानसभा में आपको कौन अच्छा लगता है कैंडिडेट? विधानसभा जैसे कि अगर मैं बात करूँ, परशुराम मुरदे फिलहाल यहाँ के विधायक हैं, और अभी कह रहे हैं कि गोवर्धन जी की स्थितियाँ बहुत मजबूत हैं बीजेपी के अंदर। भजनलाल रोलन भी जो पहले आरटीओ कमिश्नर रह चुके हैं, वो यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन बेटर है धोद के लिए? क्या गोवर्धन जी को टिकट मिलनी चाहिए बीजेपी से, या फिर भजनलाल रोलन को मिलनी चाहिए, या फिर अदर किसी को? परशुराम जी को, परशुराम जी को जीता हुए। परशुराम जी पहले से जीते हुए, इसका मतलब ये बताइए आप परशुराम जी के कामों से कितने संतुष्ट हैं? आप अब तक के काम उन्होंने कराए हैं, जो 4.5 साल का लगभग कार्यकाल उनका कंप्लीट हो चुका है उसमें, हमने तो ठीक ही लग रहा है, ठीक लग रहा है। रोड़े उड़े का सबका काम आपका तो कहाँ से ठीक लग रही है? ठीक लग रही है, ना आयो लो तो बिल्कुल ये भाई साहब भाई जी बिल्कुल परशुराम जी के कामों को संतुष्ट हो? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। परशुराम जीतने के बाद में डगामा की मुझे कुंडी का नहीं कासलिम कती एक बार भी कुनी? एक बार भी कुनी, कोई मर गया तो कोई मरे जिए कुने वो। गोवर्धन जी तो दिखाए हो गए, भजनलाल दिखाए हैं। भजनलाल गोवर्धन की मैं भजनलाल की बात करूँ, मैं फिलहाल परशुराम की करूँ। परशुराम जी गांव में चुनाव जीतने के बाद में एक बार भी कोनी आयो। अभी फिलहाल अगर दोबारा हम परशुराम जी टिकट देसी तो के लाके दो निकाल देसी सीट पर? 300 वोट आ रहा गाँव से, 300 वोट उतारे, 300 वोट आए तो ज्यादातर लोग तो अब जी कह रहे हैं संतुष्ट है, मैं तो खूब रोड वगैरह काम वम करे। क्या हो रहा है तो रोड कौन सा काम करती है बताओ, गिनाओ क्या तो काम? कोई काम करे ना, रामपुरा पास में रामपुरा जी बढ़िया काम करे, टंकी बनवा दी, रोड बनवा दी। अगर दोबारा परशुराम जी टिकट ले दोबारा दावेदारी करें तो वोट मानी दे, और थे कौन देगा परशुराम जी? पक्का कॉमरेड हाँ, तो बताओ जी अभी मैं अगर बात करूँ पेमाराम जी की बात करूँ, अठाऊ 200 बन टिकट मिल रही है के कहीं खड़ो सचिव कमाराम कितना मजबूत है इस टाइम कमान टक्कर में बीजेपी और कॉमरेड दो ही है, कांग्रेस है वो नहीं। अच्छा कांग्रेस टक्कर में नहीं है, धोद में कांग्रेस टक्कर में नहीं है। मैं बात करूँ बीजेपी में, बीजेपी में आप ज्यादा मजबूत किसको मान रहे हैं यहाँ पे, किसको टिकट किसको मिलनी चाहिए, भजनलाल जी को या फिर गोवर्धन जी? गोवर्धन बड़ा मजबूत है, वो पहले यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं और प्रधान भी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है पिछली बार क्या बीजेपी में कौन सी कमियां रह गई कि गोवर्धन जी हार गए थे, तो क्या इस बार वो सुधार ली गई है, क्या आपको क्या लगता है? वो तो एक राजस्थान में एक लहर होती है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उस लहर में वो हार गए। इस हिसाब से तो आपके हिसाब से गोवर्धन जी हार जाएंगे यहाँ पे, टक्कर रहेगी वो गोवर्धन और पेमाराम के बीच में, टक्कर गोवर्धन जी और पेमाराम के बीच में रहेगी कॉमरेड। और आपने कांग्रेस को धोद से बिल्कुल अलग कर दिया, जबकि धोद यहाँ पे कहते हैं गढ़ रहा है धोद, तो बात ऐसी है कि धोद का विधायक आया ही नहीं, तो अब किस मुंह से आएगा वोट लेने के लिए? आप कांग्रेस से नाराज हैं या फिर विधायक से नाराज? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस से नाराज नहीं हूँ मैं, न कांग्रेस से नाराज हूँ, न बीजेपी से नाराज हूँ, न कॉमरेड से नाराज हूँ।
एक एमएलए यहाँ से जीत के जाता है, अगर यहाँ पे किसी की मान लो कहीं मौत हो गई, मौत तो बहुत होती है लेकिन एक अचानक ऐसी मौत होती है उसमें पूरे गांव में सन्नाटा जाता है, तो विधायक का हक बनता है कि भाई आए, दो दिन बाद में आए, दस दिन बाद में आए, यहाँ कभी नहीं आए। अभी हमने बात करी लोगों से तो बोल रहे हैं कि यहाँ धोध के अंदर कुछ लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो साइड में हो गई, बीजेपी और कॉमरेड दो यहाँ पे है टक्कर में है। आप बोल रहे हो मैं बीजेपी को वोट दूंगा, बीजेपी में अभी टिकट को लेकर कंफर्मेशन नहीं हुआ कि किसको मिलेगी, गोवर्धन जी को मिलनी चाहिए या भजनलाल जी रोहन को आपके? भाई ये दोनों के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, अपन वोट से दे सकते हैं बीजेपी को। आप मतलब आप एक जैसे पर्सनली को तो आदमी को देख के वोट देते हैं, आप सिंबल को देख के वोट दोगे या फिर आदमी को देखे? आप बीजेपी के आदमी हो कटरे? गोवर्धन जी को देंगे, गोवर्धन जी को वोट देंगे। तो कितना मजबूत मानते हैं धोध में, क्या सीट निकालेंगे इस बार गोवर्धन जी? सीट निकलेगी, पक्का निकालेंगे? हाँ पक्की निकलेगी, चौकस जी। अगर मैं बात करूँ अदर पार्टी की, यहाँ पे कॉमरेड भी यहाँ पे काफी मजबूत माने जाते हैं, आप क्या राय रखते हैं इस पे? और कांग्रेस को थर्ड नंबर पे आप दे रहे हैं? बिल्कुल। इसकी वजह क्या रही साहब? इसकी वजह क्या है, कांग्रेस को आप इतना पीछे क्यों मान रहे हैं? अभी ये मालूम नहीं है वजह क्या, अभी सब हवाई ऐसी चल रही है। जी जी बताइए, तो आप हवा में बताइए, साढ़े चार साल का यहाँ पे आप कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, परसराम जी कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं नहीं, काम तो अच्छा कर रही है कांग्रेस, पर आ रहा नहीं, हवा ऐसी चल रही है। मतलब वो पर्सनली रूप से आते जाते नहीं है, काम अच्छा करा रहे हैं आपके हिसाब से? अच्छा। तो आपको जनता को तो काम चाहिए या फिर उनका व्यवहार आपके हिसाब से सही नहीं है, क्या 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 लग रहा है आपको? नहीं व्यवहार सही है कांग्रेस का, काम अच्छा करती है यार राजस्थान के अंदर, फिर भी इस बार टक्कर में नहीं है? टक्कर में नहीं है। अभी अगर धोध का माना पा कांग्रेस बीजेपी और कॉमरेड, आपने तीन चीजें साल ली, सो मजबूत कौन सी पार्टी मान रहे हो? मैं हूँ बीजेपी को आदमी, बीजेपी का आदमी तो मैं तो बीजेपी नहीं मान छू, किसको बताऊँ, मेरे हिसाब से तो कॉमरेड ही है, कॉमरेड है, पेमाराम है, पेमाराम जी को आप मजबूत मान रहे हैं। गहलोत जी के जो काम ही कितना संतुष्ट हुआ? मैं उनसे काम से 90% संतुष्ट हूँ, 90% संतुष्ट, बिल्कुल बिल्कुल। और धोध में आप कॉमरेड को आप जिताना चाहते हो? जी, सर क्या कहना चाहेंगे? बता दिया ना भाई ने, वही है सर, वही है जी, कॉमरेड को जिताओगे? जिताने का तो देखो वो तो टाइम आने के बाद पता लगेगा, लेकिन हो सकता है। आपका मत क्या है? नहीं मत तो क्या बताऊं, क्योंकि मैं पहले से भी जो कॉमरेड पार्टी है ना, ये माकपा पार्टी, इससे जुड़ा हुआ था पहले बहुत, लेकिन अब जो इस बार है ना 5-6 साल से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे कि हमारे पारिवारिक वोट है वो कॉमरेड पार्टी को जाती है, और हो सकता है शायद पेमाराम जी भी निकल जाएँ, और हो सकता है पसराम जी भी निकल जाएँ, दोनों मतलब 50-50 है अभी। कुछ कॉमरेड और कांग्रेस को आप टक्कर में मान रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल मान रहे। जब मैंने पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पे इंटरव्यूज करे थे, लोगों से रिव्यू करा, तो बोल रहे थे कि कांग्रेस टक्कर में नहीं है क्योंकि परसराम जी कहते हैं कि आते नहीं है लोगों के पास। नहीं नहीं, वो आने की बात वो तो ठीक है, वो तो लोगों का जो भी कहना है वो ठीक कह रहे हैं, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो विकास हुआ ना, उन्होंने वो जो परसराम जी ने ना, वो अपने जो भी सौगाते हैं, वो जितने भी मतलब वादे किए थे ना, उस पर वो खड़े उतरे, मेरा कहने का मतलब यही है। तो अभी जो 4.5 साल का कार्यकाल है, आप संतुष्ट हो उससे पूरी तरह? जी जी बिल्कुल संतुष्ट, जी जी। आप तो दोबारा से फिर कांग्रेस को यहाँ रिपीट कर रहे हो, चलो अभी दो एक और मत कर लेते हैं अपन यहाँ से। आप तीन यहाँ पे तीन लोग हैं, तीनों ने अलग अलग अपनी पार्टियां बता दी है, हालांकि दो अगर इन दोनों की सर की माने तो यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत बता रहे हैं। सर कांग्रेस को मजबूत आप किस स्थिति में बताते हैं, जो परसराम जी का काम है उनसे संतुष्ट आप? भाई साहब ने बताया कि भाई कांग्रेस को मजबूत करना, बाकी अभी थोड़ा शरमा रहे हैं, कोई नहीं। लोगों की जो राय है वो लगभग लगभग एक जैसी आ रही है। फिलहाल हम बातचीत करेंगे धोध जो गांव है, मारवाड़ी में बोलना चाहोगे या हिंदी में बोलना चाहोगे? अठाऊ धोध का मान आप किन ज्यादा समझ ज्यादा मजबूत मान रहा है इस टाइम के मान, अगर आप तीन ही पार्टी की बात? सबसे ज्यादा मजबूत यहाँ कांग्रेस है, धोध के अंदर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत। परसराम जी मुरदिया का कार्यकाल जो है लगभग 4.5 साल से ज्यादा का हो चुका है, इनके कामों से आप कितने संतुष्ट? एकदम पूरी तरह से संतुष्ट है। हमारे जो विधानसभा क्षेत्र में 40 साल में जितना इस बार जो विकास हुआ है पूरा क्षेत्र में, उतना कभी भी नहीं हुआ। मोरदिया जी का कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है, बिल्कुल रिपीट मोरदिया जी। अगर मैं बात करूँ यहाँ अठाऊ बीजेपी की, यहाँ गोवर्धन जी पिछले टाइम में रही, भजन लाल जी अभी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, और कॉमरेड भी टक्कर में, तो टक्कर में थे जी। देख रहे हो कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है, दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी मांग रहे हैं, कॉमरेड या बीजेपी पार्टी? बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होगी, कॉमरेड थर्ड पर, थर्ड में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कॉमरेड जो है वो ज्यादा टक्कर में? नहीं नहीं नहीं, कॉमरेड नहीं है, वहाँ पहले था वो लोग, उनका गढ़ रहा है, लेकिन उनके टाइम में कोई विकास नहीं हुआ है, गाँव 50 साल पीछे चला गया, मतलब पूरा विधानसभा क्षेत्र 50 साल पीछे चला गया कॉमरेडों से। अभी आप सबसे मजबूत कांग्रेस को मान रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस को, और सेम कैंडिडेट होने से, परसराम जी मोरदिया कैंडिडेट होने से बिल्कुल मजबूत है।
अगर जैसे परशुराम जी पहले बात कर रहे थे कि लोग यहाँ पे कुछ कयास लगा रहे थे कि उनके जो बेटे हैं वो खड़े होंगे, तो क्या वोट बैंक पे फर्क पड़ता है या परशुराम जी का वोट बैंक है या फिर उनके कामों का वोट बैंक है या कांग्रेस का वोट बैंक है? उनका कामों का भी है, परशुराम जी का पर्सनली वोट बैंक भी है और उनके कामों का भी है। लोग कहते हैं परशुराम जी आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, कहीं जाते नहीं है, उसको लेकर क्या उनके वोटों पे या मत पेटी पर इसका कोई फर्क पड़ेगा? हम लोगों के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बीच में पहले एक्सीडेंट हो गए थे, फिर कोरोना उनको हो गया था, तो उस कारण से वो आए गए नहीं और कामों से कोई फर्क नहीं। कोई भी वहाँ जाने से या वो शिकर आते हैं तो कोई काम के लिए किसी को मना नहीं करते, तुरंत काम करवाते हैं। एक 4.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें आप कह रहे हैं कि जो इनका जिनके वादे थे उनका कितना परसेंट आप इम्प्लीमेंटेशन मानते हैं कि हो चुका है लगभग? जैसे वो वादे किए थे ना उससे ज्यादा ही काम हुआ है। प्रदेश भर में आप कांग्रेस को कितना मजबूत देख रहे हो, क्या रिपीट होगी कांग्रेस? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। जो गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए जो उन्होंने किया, आज तक ऐसा राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री नहीं आया है जो गहलोत जी जैसा काम किया है। बिल्कुल रिपीट होगी कांग्रेस।